अपने बाबू के साथ रोमांस करेंगी अक्षरा। जी हाँ, भोजपुरी डीवा और हॉट एक्ट्रेसेस में से एक अक्षरा सिंह ने अपनी एक नई फिल्म साइन की है, जिसमें वो अपने बाबू के साथ रोमांस करती हुई नजर आएंगी। क्या हुआ, चौंक क्यों गए आप? अच्छा, तो बाबू सुनकर हैरानी हुई होगी, है ना? अब आप सोच रहे होंगे, अक्षरा ने अब किसे बाबू मान लिया? कहीं ये पवन सिंह तो नहीं? अब इतना क्या सस्पेंस बढ़ाना, सीधे दिखाते हैं आपको कि कौन है अक्षरा का बाबू। बहुत प्यार से बाबू बुलाती थी और बुलाती हूँ भी अभी। और अच्छा, तो कल्लू है अक्षरा के बाबू। आपको बता दें कि इन दोनों स्टार्स अब एक साथ फिल्म करने वाले हैं, जिसका नाम है शुभ घड़ी आयो। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब दोनों सुपरस्टार्स एक साथ लीड में हैं, और इन सभी बातों का खुलासा अक्षरा ने मीडिया के सामने किया है। आइए जानते हैं कि अक्षरा ने और क्या क्या बातें की। हमारी फिल्म है, मेरे ख्याल से पहली फिल्म हम एक साथ कर रहे हैं, और इससे पहले किया पर अलग अलग कैरेक्टर्स में थे, बट ये पहली फिल्म है। ये बेहद खुशी की बात है मेरे लिए कि मुझे इस फिल्म में इस काबिल समझा कि मुझे कास्ट किया। और चंदन जी और कल्लू जी के साथ बहुत दिन से ड्यू था काम करना, बिकॉज ये भी कह रहे थे ये मेरे बहुत ही चहेते हैं, और मैं इनको बहुत प्यार से बाबू बुलाती थी और बुलाती हूँ भी अभी। ये तो रही अक्षरा की बात, अब सुनते हैं आखिरकार कल्लू ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा। सब भी बोलते थे, मैं भी चाहता था, और हम लोग जब भी मिलते थे तो एक होता है ना, शुभ घड़ी नहीं मिल रहा था कि कब हम लोग ये शुभ घड़ी में काम करें, सुजनिया ना मिलता रहा कि कब हम काम करें। तो ये ऐसा टाइटल भी मिल गया कि शुभ घड़ी आयो। तो और आपने पूछा भी इसके पहले कि कहाँ है आपकी अक्षरा जी, तो मैंने बोला जब आएंगे तो शुभ घड़ी आ जाएगा, और देखिए आते ही इनके शुभ घड़ी आ गए, चार चांद लग गए हमारे मुहूर्त में। तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए भी कि एक अच्छा कंटेंट के साथ, अच्छी फिल्म के साथ, देर ही सही लेकिन हम लोग अच्छे फिल्म के साथ आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जैसे दर्शक हम दोनों को प्यार देते हैं, उससे भी कई अधिक प्यार देंगे ये फिल्म के माध्यम से। अब देखते हैं कि अक्षरा ने फिल्म में अपने किरदार को लेकर क्या क्या कहा है और क्या क्या बातें हुई हैं कल्लू अक्षरा की मीडिया के साथ। इसके पहले हम लोगों ने फिल्म किया है, लेकिन वो फिल्मों को छोड़ते हुए हम लोग अभी में जीते, प्रेजेंट में जीते हैं। तो पहली बार हम लोग हीरो हीरोइन के रूप में आप लोग के बीच आएंगे। तो क्योंकि मैं इसलिए बोलता था, मैं पहले भी बोला था अक्षरा जी से कि जब भी हम लोग शो करते थे, तो जब भी मैं कहीं शो करने जाऊं तो सब बोलते थे कि भैया इनके इनका नाम लेके कि इनके साथ मूवी कब आ रही है। चाहे हम लोगों ने शो भी किया है साथ में, तो काफ़ी दर्शक पसंद करते हैं साथ में। तो इससे पहले भी मैंने बताया कि दर्शक जो पसंद करें, हमें वैसी फिल्म आना चाहिए और हमें वैसे ही कलाकार लेनी चाहिए। दर्शक भी बोलते थे, मैं भी चाहता था, और हम लोग जब भी मिलते थे तो एक होता है ना, शुभ घड़ी नहीं मिल रहा था कि कब हम लोग ये शुभ घड़ी में काम करें, सुजनिया ना मिलता रहा कि कब हम काम करें। तो ये ऐसा टाइटल भी मिल गया कि शुभ घड़ी आयो। तो और आपने पूछा भी इसके पहले कि कहाँ है आपकी अक्षरा जी, तो मैंने बोला जब आएंगे तो शुभ घड़ी आ जाएगा, और देखिए आते ही इनके शुभ घड़ी आ गए, चार चांद लग गए हमारे मुहूर्त में। तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए भी कि एक अच्छा कंटेंट के साथ, अच्छी फिल्म के साथ, देर ही सही लेकिन हम लोग अच्छे फिल्म के साथ आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जैसे दर्शक हम दोनों को प्यार देते हैं, उससे भी कई अधिक प्यार देंगे ये फिल्म के माध्यम से। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।